हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीएससी को न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में कैसे रजिस्टर करें, कैसे अपडेट करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल अपना जो है वो आ चुका है और उस पर अभी डीएससी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी लोगों का जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन या डीएससी अपडेशन से रिलेटेड न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा जो प्रोसेस है डीएससी रजिस्ट्रेशन का लाइव करके दिखाने वाला हूं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जा करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर अपने जो गूगल क्रोम है उसको खोलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया और एक मेरा पेज खुल गया। तो अभी हम incometax.gov.in पे जाने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी हम लोग incometax.gov.in वाले वेबसाइट पे चले गए और राइट हैंड साइड में जैसे ही क्लिक किए तो राइट हैंड साइड में लॉगिन का ऑप्शन मुझे मिल गया है कि इनकम टैक्स में मुझे लॉगिन करके अपना जो लॉगिन वाला पेज है उसमें जाना है। तो उसके लिए आपको यूज़र आईडी डालना पड़ता है, तो जो कि जनरली पैन होता है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल दिया हूँ और पासवर्ड डालने के बाद अभी हम लोग लॉगिन वाले पेज में चले जाएंगे। पासवर्ड डालने के बाद अभी हम लोग लॉगिन वाले पेज में आ गए हैं और राइट हैंड साइड में आप मेरा नाम देख सकते हैं। और अभी अपने को क्या करना है कि प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो फोटो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करने के बाद मुझे रजिस्टर डीएससी का ऑप्शन मिल जाने वाला है। काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा जिसमें अपने को जाना है रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करके। आप अगर यहाँ पे देखें तो अभी हम क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ही अपने क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल जाता है, अलग पेज में ले जाता है जिसमें रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑप्शन मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं इसमें डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर आप डीएससी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो ईएम साइनर जो कि ईएम ब्रिज के नाम से आएगा उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन करवाना है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड के में जा करके और अभी हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो ईएम ब्रिज है, जो अपना यूटिलिटी जो होता है ईएम साइनर का, जो ईएम ब्रिज के नाम से यहाँ पे अगर आप उसको रन करवाते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप पे वहाँ पे आइकन दिख जाएगा। तो ये मेरा ऑलरेडी था, तो मैं फिर भी आप लोगों को एक बार के लिए सैंपल में आप दिखा दूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डाउनलोड हो रहा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड ईएम साइनर यूटिलिटी पे, और यही वाला जो यूटिलिटी है इसको मैंने अपना इसको रन करवा दिया और वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है ईएम ब्रिज के नाम से। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डीएससी को रजिस्टर करने में हेल्प करता है, ये ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद अपने क्या करने वाले हैं कि प्रोवाइडर पे क्लिक करके अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और जो सर्टिफिकेट का जो टाइप है ई मुद्रा। इसके बाद मुझे अपना जो डीएससी का पिन होता है, वो मुझे यहाँ पे डालना है। और ये सब करने से पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर को लैपटॉप में लगा लेना पड़ेगा और जैसे ही वहाँ पर साइन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई क्वेरी निकल करके आता है डीएससी से रिलेटेड या फिर आप डीएससी बनाने से रिलेटेड कोई क्वेरी फेस करें, किसी भी तरह का डीएससी, चाहे वो इंडिविजुअल का डीएससी हो, पार्टनरशिप फर्म का डीएससी हो, डीजीएफटी का डीएससी हो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इवन फॉरेन इंडिविजुअल या किसी भी तरह का डीएससी से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे बनाने में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इस थैंक यू वेरी मच।